तो दोस्तों फाइनली 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 पार्लियामेंट का सेशन 2 खत्म हो चुका है। इसमें क्रिप्टो करेंसी बैन बिल के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज आ रही है, काफी खुशी की बात यहाँ पे बोल सकते हैं। और दोस्तों 25 मार्च को ये सेशन खत्म हो चुका है, जो 8 अप्रैल को खत्म होने वाला था, लेकिन थोड़ा जल्दी खत्म हो गया है। दोस्तों काफी सारे महीनों से हम सोच रहे थे कि अगर क्रिप्टो करेंसी बैन हो गया तो क्या करेंगे, ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, काफी लोगों का रोजगार भी इसमें था। लेकिन दोस्तों फाइनली एक खुशखबरी आ गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मतलब जुलाई में कुछ रेगुलेशन आ सकते हैं। मैंने आगे भी आपको बताया है कि क्रिप्टो करेंसी बैन तो इंडिया में नहीं होगा, रेगुलेशन आएगा, लेकिन वो जुलाई मतलब मानसून सेशन में आएगा। लेकिन इस सेशन में अभी हमारे पास 3 से 4 महीने हमें मिल गए हैं, हम आराम से बिंदास ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में और कुछ डिटेल्स मुझे आपको बतानी है, तो मैं इससे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे YouTube चैनल टेक विद केयर पे आपको हर वीडियो देखने पे Amazon पे के कूपन मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे नीचे Amazon पे के कूपन देखने मिल जाएंगे, वो डायरेक्टली आप Amazon पे में जाके उनको रिडीम कर सकते हो। Hey guys, I am KUR, you are watching Tech with KUR YouTube चैनल। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 यहां पे अभी नहीं आएगा, लेकिन मानसून सीजन मतलब जुलाई में आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको आगे बताया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और चीज हो सकती है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस राउट के थ्रू ये बिल को पास कर सकती है, लेकिन दोस्तों उसके चांसेस काफी मिनिमम है। अगर ऐसा कुछ भी आता है तो आपको पता ही है कि हमारे चैनल पे आपको तुरंत ही अपडेट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे बैन तो वैसे भी नहीं होने वाला, एक रेगुलेशन आएगा। दोस्तों यहाँ पे काफी सारी जो न्यूज एजेंसी थी वो ये बोल रही थी कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन हो जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन दोस्तों वैसा कुछ हुआ नहीं है। और हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है, हमारे लिए एक अच्छी बात निकल के आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी यहाँ पे 3-4 महीने सोचने का टाइम मिल जाएगा। वो एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे 3-4 महीने में। काफी सारे यहाँ पे मैंने आगे जैसे बोला था इंडस्ट्री वालों के साथ भी कोलैबोरेशन करेंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट रेडी हुई है, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट रेडी नहीं हुई है। मैं यहाँ पे वीडियो दे दूंगा जिसमें आप वो भी देख सकते हो। तो एक पॉजिटिव रेगुलेशन आने के चांसेस है मानसून में जुलाई में, तब तक हम ट्रेडिंग कर सकते हैं 3-4 महीने में। अच्छे से ट्रेडिंग करो, अच्छे से पैसे कमाओ, और मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ कि ऑल द बेस्ट आपके ट्रेडिंग के लिए। और दोस्तों कोई भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम पेज है टेक विद केयर, वहां पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, फॉलो भी कर लीजिए। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है, वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, खुशी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।